हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डीडी फ्री डिश को लेकर ही बात करेंगे। वैसे जो आपको मैं खबर देने वाला हूं वो आप सभी के लिए अच्छी तो नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको हर एक खबर दें जो हमें डीडी फ्री डिश की ओर से या फिर किसी भी डीटीएच की ओर से मिली है। डीडी फ्री डिश की ओर से जो खबर आई है वो ये है कि MPEG2 स्लॉट से हमारे लिए दो चैनल्स को आज बंद कर दिया गया है। अगर आप भी डीडी फ्री डिश का MPEG2 का सेटअप बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। बेल आइकन दबाते ही वहां पर आपको ऑल बटन नजर आएगा, उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती भी रहे, और साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। और इस वीडियो की शुरुआत करने के बाद आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैनल हमारे लिए आज बंद किए गए और उसकी असल वजह क्या है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वह चैनल्स कौन से हैं जिन्हें हमारे लिए बंद किया गया है। वैसे जहां तक मुझे लगता है आपको उसके बारे में मालूम हो चुका होगा, और बाद में आपका केवल एक ही सवाल आता है कि आपने काफी देर कर दी, हमें तो उसके बारे में पहले से ही मालूम था। देखिए, यहां पर हमारे लिए सभी के लिए फर्ज बनता है कि हम सभी को खबर दें जिसको अभी तक इन चैनल्स के बारे में मालूम नहीं था कि वो हमारे लिए लॉन्च कर दिया गया है या फिर वो हमारे लिए बंद कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे पहला चैनल बंद हुआ है वो आपका हिंदी पंजाबी हरियाणवी म्यूजिक चैनल है। काफी लोगों को पसंद भी आ रहा था और लोग जो है काफी प्यार भी दे रहे थे। चैनल का नाम है शोबॉक्स। जी हाँ, शोबॉक्स अभी हाल ही में हमारे लिए INTEL मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से लॉन्च किया गया था। सबसे पहले इसे डीडी फ्री डिश के अलावा डिश टीवी टाटा के सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स में लॉन्च किया गया, और खासकर डीडी फ्री डिश में इसलिए लॉन्च किया गया ताकि वह अच्छी खासी टीआरपी हासिल कर सके और म्यूजिक चैनल्स में जैसे कि सोनी मिक्स, MTV बीट्स या 9XM जैसे चैनल्स को टक्कर दे सके। और कहीं ना कहीं इस चैनल ने टक्कर भी दी है। टॉप 5 म्यूजिक लिस्ट में ये टॉप 3 में नजर भी आया है, यानी कहीं ना कहीं डीडी फ्री डिश के ग्राहकों की ओर से इसे काफी अच्छा खासा प्यार मिल रहा था। दूसरी ओर अगर हम दूसरे चैनल की बात करें जो हमारे लिए बंद किया गया है तो उसका नाम है फिल्मची। फिल्मची भी अभी हाल ही में हमारे लिए भोजपुरी फिल्मों का चैनल लॉन्च किया गया था, और उसे भी हमारे लिए कंपनी की ओर से हटाने का फैसला लिया गया और डीडी फ्री डिश की ओर से भी इस चैनल को हटा दिया गया है। अब बात आती है कि इन चैनल्स को बंद किया क्यों गया है जबकि इनको अच्छी खासी टीआरपी भी मिल रही थी। बेशक फिल्मची आपको टीआरपी में नजर नहीं आया होगा, लेकिन शोबॉक्स ने काफी अच्छी जगह अपनी बना ली थी, और सोनी मिक्स भी इसी के कारण बंद हो चुका है। तो देखिए, बताना चाहूंगा चैनल्स के बंद होने के पीछे वजह यह नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था या फिर डीडी फ्री डिश को वह पेमेंट नहीं कर पाए। अब यहां पर ब्रॉडकास्टर की ओर से फैसला बदल लिया गया है, उन्होंने कहा है कि अब जो हम चैनल्स को जल्द ही पेड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी अभी जो ये चैनल हमारे लिए फ्री टू एयर थे वो जल्द ही हमारे लिए पेड चैनल बनने वाले हैं, यानी उनके लिए अब आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिस तरह से आपका MTV चैनल है, MTV बीट्स है, वो कहीं ना कहीं चार्जेबल चैनल है, उसके लिए हमें कीमत देनी पड़ती है ना, तो उसी प्रकार से अब आगे चलकर आपको शोबॉक्स को देखने के लिए भी कीमत देनी होगी। अब यहां पर उन्होंने फैसला लिया है कि हम डीडी फ्री डिश को पेमेंट ना करते हुए सीधा प्राइवेट डीटीएच को ही पेमेंट करेंगे और वहां पर अपने चैनल को पेड करेंगे। और वैसे भी INTEL मीडिया का सबसे पहला चैनल, जी हाँ सबसे पहला चैनल एपिक, वो शुरू से ही पेड चैनल रहा है और आज भी वह पेड ही है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर ब्रॉडकास्टर ने फैसला लिया है कि जो भी हमारे ब्रॉडकास्टर के चैनल्स हैं उन सभी चैनल्स को पेड ही रखा जाए। बाकी इशारा टीवी को लेकर अभी तक कोई भी सूचना नहीं है कि वह भी हमारे लिए डीडी फ्री डिश में अब लॉन्च होगा या नहीं होगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर INTEL मीडिया की ओर से फैसला लिया गया है तो हो सकता है कि INTEL मीडिया की ओर से इशारा टीवी को भी कुछ वक्त के लिए ही डीडी फ्री डिश में लॉन्च किया जाए। जब उसे भी अच्छी खासी टीआरपी मिलने लगेगी तो वह यहां से इस चैनल को भी बंद कर देंगे, जिस प्रकार से उन्होंने शोबॉक्स के साथ किया है कि उन्हें अच्छी खासी ऑडियंस डीडी फ्री डिश की ओर से मिल गई और अब जाए कोई भी ग्राहक उस चैनल को देखने के लिए पैसा देने को भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि लोगों को अच्छे खासे सॉन्ग सुनने की आदत जो पड़ चुकी है। बाकी इसको लेकर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डीडी फ्री डिश ग्राहकों के लिए काफी बुरी खबर सामने आई कि दोनों चैनल्स हमारे लिए काफी अच्छे थे और अचानक से हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं। नमस्कार।